सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कुछ टॉप यूजफुल कार एक्सेसरीज हमने चूज किया है जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा इमरजेंसी में। इसकी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बेस्ट कार्स बिटवीन 3 to 5 लाख, एंट्री लेवल की गाड़ियां जो कि 3 लाख से लेकर 5 लाख के अंदर है, इस सेगमेंट में ये गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा सेल्स लेती है और इस सेगमेंट में गाड़ी भी चूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। हालांकि 3 से लेकर 5 लाख में कौन सी गाड़ी है जो कि सबसे बेहतरीन फीचर देता है, सबसे बेहतरीन रहेगा आपके लिए और सबसे सही गाड़ी भी हो इस बजट में, तो चलिए इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में जानकारी लेंगे। हम बात करेंगे ऐसे 6 गाड़ियों के बारे में जो कि 3 से लेकर 5 लाख के अंदर है और चूज करेंगे सबसे बेहतरीन गाड़ी को जो कि 3 से लेकर 5 लाख के बजट के अंदर आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विन टर्बो चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन से लेकर 5 लाख की बजट के अंदर हम चूज़ किए हैं 6 गाड़ी। यहाँ पहले नंबर पे मारुति सुजुकी अल्टो K10, डस्टन रेडिगो, रेनल्ड क्विड, मारुति सुजुकी सिलेरियो, टाटा टियागो और मारुति सुजुकी की वागनर। हालांकि अगर मैं बात करूँ 3 से लेकर 5 लाख, ये मैं बात कर रहा हूँ अनरोड प्राइस के हिसाब से। जी हाँ, ये जो 6 गाड़ी को मैं चूज़ किया हूँ और इसके सारे फीचर्स और सारे चीज़ों के ऊपर जो मैं बात करूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस रहेगा अनरोड प्राइस के हिसाब से। एक शोरूम प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो अनरोड आते हुए आपको 1 लाख रुपये भी 80 से लेकर 1 लाख रुपये तक ज़्यादा पड़ जाएगा, जो कि बजट से ऊपर चला जाएगा। इसलिए मैं 3 से लेकर 5 लाख अनरोड प्राइस के ऊपर आपको 6 गाड़ी को चूज किया हूं। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। पहले नंबर पे आता है मारुति सुजुकी अल्टो K10। इसकी प्राइस रेंज अनरेड के हिसाब से देखा जाए 3.98 लाख से शुरू होकर 4.91 लाख तक जाती है। इस गाड़ी में बेसिक आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडोज, एसी आपको मिल जाता है। तो ये बेसिक फीचर आपको गाड़ी में मिल ही जाएगा सारे गाड़ियों में। सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो ये गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल पे 1 एयरबैग ही मिलता है और कुछ सेफ्टी यहाँ पे नहीं मिलता है। और मारुति सुजुकी बिल्ड क्वालिटी तो पॉपुलर है, आपको पता ही होगा। अल्टो में आपको 1 लीटर इंजिन ही मिलता है, के सीरीज पेट्रोल इंजिन, जो कि आपको 24.07 kmpl माइलेज भी दे देता है। गाड़ी में आपको इसी प्राइस रेंज के अंदर AMT यानी कि ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है और इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको CNG का ऑप्शन भी मिल जाता है और CNG में आपको 32.26 kmpl का माइलेज भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और अगर बात करें गाड़ियों की थोड़ी कमियों के बारे में, तो गाड़ी में आपको स्पेस की कमी काफ़ी मिलता है यहाँ पे। हालांकि अगर आपकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है तो आपके लिए गाड़ी काफ़ी छोटी पड़ जाएगी और पीछे की सीट में भी वही हालत है। और अगर बात करें पॉपुलैरिटी के मामले में, तो ये गाड़ी काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में। गाड़ी काफ़ी रिलायबल भी है क्योंकि मारुति सुजुकी अपने आप को काफ़ी प्रूव कर चुका है और मारुति सुजुकी सर्विस नेटवर्क भी काफ़ी बड़ी है। इंडिया के सारे जगहों पे आपको गाड़ी के सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, ये काफ़ी एक बेहतरीन पॉइंट है। और अल्टो की रिपेयरिंग भी कहीं पर भी हो सकता है, ये भी एक बेहतरीन पॉइंट है। रीसेल वैल्यू जबरदस्त है, रीसेल वैल्यू ऐसी है कि आप कभी भी किसी भी कीमत में गाड़ी में आराम से सेल कर सकते हैं, ये भी काफी बेहतरीन पॉइंट है। दूसरा गाड़ी जो है वो है डस्टन की रेडिगो। ये गाड़ी 800 cc में आता है और 1 लीटर के इंजन के साथ भी आ जाता है। 800 cc की प्राइस रेंज शुरू होता है 2.91 लाख से और 1 लीटर की प्राइस रेंज शुरू होता है 4.23 लाख से ऑन रोड डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से। ये गाड़ी में भी आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, सेफ्टी के मामले में कोई भी सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलता है, लेकिन गाड़ी में स्पेस काफी अच्छा है। सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए काफी अच्छा खासा आपको हेडरूम मिल जाता है, हालांकि लेग रूम डिसेंट है। गाड़ी में सिर्फ 6 फुट हाइट लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। गाड़ी में 800 सीसी की इंजन हो या 1 लीटर इंजन, काफ़ी अच्छा खासा इंजन है, इसमें कोई आपको कंप्लेन भी नहीं मिला है आज तक।
लेकिन अगर बात करें गाड़ी थोड़े पुराने होने के बाद थोड़ा सा नॉइज़ आना शुरू हो जाता है। अगर बात करें गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है इस बजट के अंदर। माइलेज की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 2.5 या 7 के एमपीएल माइलेज आपको मिल जाता है, 800 सीसी इंजन हो या 1 लीटर इंजन हो, दोनों में से काफ़ी बेहतरीन माइलेज तो नहीं कहूँगा मारुति सुजुकी जैसा, लेकिन काफ़ी डिसेंट माइलेज भी आपको यहाँ पे मिल जाता है इस सेगमेंट के अंदर। गाड़ी काफ़ी टॉल है, काफ़ी बेहतरीन है सिटी के लिए, इसको सिटी कार भी बोला जा सकता है। ऑटोमेटिक का ऑप्शन इसके काफ़ी बेहतरीन है, इसकी एसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसी है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करता है और इसकी सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी बेहतरीन है। ये सारे जो चीज़ें हैं मैं ओनर्स के रिव्यू के पढ़कर ही आपको बता रहा हूँ। जितने सारे इसके ओनर्स से 1-2 साल गाड़ी को चलाए हैं और वो जो जितने सारे रिव्यूज़ दिए हैं गाड़ी के ऊपर, उसको पढ़कर मैं आपको ये इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर बात करें गाड़ी की प्रॉब्लम्स के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके इंजन नॉइज़ थोड़ा मिल जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसके इंजन काफ़ी बेकार है, नहीं, गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है, इंजन काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन 1-2 साल के बाद थोड़े से इंजन नॉइज़ आपको देखने को मिल जाता है जो कि ओनर्स बताते हैं इसके। और अगर बात करें गाड़ी थोड़े टॉल है तो हाईवे में आपको काफ़ी बॉडी रोल मिल जाता है और इसके बॉडी रोल इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना नहीं आप बोलूँगा, लेकिन आपको थोड़ा बॉडी रोल मिल जाता है। और अगर बात करें गाड़ी की स्टेयरिंग की, तो यहाँ पे स्टेयरिंग काफ़ी लाइट है, ये जो कि काफ़ी बेहतरीन है सिटी के लिए, लेकिन हाईवे में काफ़ी लाइट स्टेयरिंग आपको थोड़ा परेशान करना शुरू कर देगा, जो कि ये एक अच्छी पॉइंट नहीं है। हालांकि इसे बेहतरीन सिटी कार बोला जा सकता है, लेकिन हाईवे के लिए उतना बेहतरीन नहीं है। तो ये था मेरा राय और ओनर्स का राय भी डसन रेडिको के लिए, लेकिन गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद नंबर 3 पे रेनॉल्ट की क्विड, ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है, जो कि काफ़ी बेहतरीन सेल्स भी लेता है इस सेगमेंट के अंदर और गाड़ी दिखने में काफ़ी गजब की है। पूरा एसयूवी की डिज़ाइन की गाड़ी है जो कि काफ़ी बेहतरीन दिखता है। गाड़ी में आपको 800 सीसी और 1 लीटर का इंजन मिल जाता है। 800 सीसी की प्राइस रेंज 3.27 लाख से शुरू होता है अननोन डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से, और 1 लीटर के प्राइस रेंज 4.44 लाख से शुरू होता है अननोन डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से। गाड़ी को तो मैं आपको बता चुका हूँ, गाड़ी का लुक्स बेहतरीन है, गाड़ी में काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं इसी सेगमेंट के अंदर जो कि और किसी गाड़ी में नहीं मिलता है। ये बजट में आपको टस्कन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे देता है, नेविगेशन भी आपको दे देता है और पार्किंग कैमरा भी आपको दे देता है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। सेफ्टी के अंदर इसमें आपको ऑप्शनली 1 एयरबैग ही मिलता है और गाड़ी में सबसे बेहतरीन बात है गाड़ी की स्पेस, गाड़ी में काफ़ी अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है और इसकी बूट स्पेस भी काफ़ी बेहतरीन है। सेगमेंट के हिसाब से सबसे बड़ी बूट इसी गाड़ी में आपको मिलता है, 300 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। 800 सीसी इंजन में आपको 25.17 के एमपीएल का माइलेज और 1 लीटर इंजन से 23 के एमपीएल का माइलेज आपको मिल जाता है। 5 लाख के बजट के अंदर आपको एएमटी का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको गाड़ी में 5 लाख के बजट के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद बात करें ओनर्स के रिव्यूज के बारे में, तो गाड़ी में आपको प्रॉब्लम कुछ मिलता है जो कि ये इंजन नॉइज, जो कि 1-2 साल के बाद काफी लगने लगा है, और सबसे बड़ी दिक्कत गाड़ी में ये निकल गया है जो कि इसके ऑयल चैम्बर। इस इशू को अभी तक रेनॉल्ट सॉर्ट आउट नहीं किया है, ये इशू काफी बड़ी इशू है जो कि इसके जो ऑयल चैम्बर है ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। होता ये है कि ये जो ऑयल चैम्बर है, स्पीड ब्रेकर हो या ऑफ रोडिंग पे गाड़ी, ऑफ रोडिंग यानी थोड़ा रफ रोड पे आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो किसी भी पत्थर से हो कहीं पे भी टक्कर लगकर वो चैम्बर फट जाता है और पूरा ऑयल वहीं पे निकल जाता है, तो गाड़ी वहां पे स्टॉप। तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत है रेनॉल्ट क्विड में। हालांकि देखा जाए तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको ऑयल चैम्बर गार्ड भी आप लगवा सकते हैं कंपनी से, लेकिन ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसी गाड़ी में। और इसकी ओनर्स के रिव्यूज़ के हिसाब से इसमें आपको और एक भी प्रॉब्लम मिलता है जो है इसकी ब्रेक की साउंड। गाड़ी थोड़ा पुराना होने के बाद इसके ब्रेक से एक अजब तरीके से साउंड निकलता है, जो कि ये सारे ओनर्स के रिव्यू में नहीं देखा हूँ, लेकिन ये फिर भी काफ़ी ओनर्स ने इसे कंप्लेन दिया है। मैं देखा हूँ काफ़ी ओनर्स का यही सेम प्रॉब्लम है जो कि ब्रेक से नॉइज़ निकलता है जो कि सर्ट आउट नहीं कर पाता है रेनॉल्ट।
ये भी एक इशू हो सकता है। लेकिन गाड़ी अगर देखा जाए ये तीनों इशू को छोड़कर गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है, लुक्स वाइज हो, फीचर वाइज हो, बजट सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन है और गाड़ी की सेल्स भी काफ़ी बेहतरीन हो रहा है, जो कि एक सबसे बड़ा पॉइंट बन सकता है गाड़ी को लेने के लिए। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं मारुति सुजुकी के सेलेरियो, जिसके प्राइस रेंज शुरू होता है 4.93 लाख से। गाड़ी के लुक्स अगर बात करें, डिसेंट लुक है, बेसिक फीचर आपको गाड़ी में मिल जाता है। सेफ्टी की बात करें, ऑप्शनल पे 2 एयरबैग ABS भी मिल जाता है, ये भी काफ़ी बड़ा पॉइंट है। और बात करें गाड़ी की स्पेस की, तो डिसेंट स्पेस आपको मिलता है गाड़ी में, वही अल्टो K10 वाला 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और इसमें भी आपको CNG का ऑप्शन मिल जाता है और 5 लाख के बजट के अंदर आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। गाड़ी में आपको 23.1 km का माइलेज मिल जाता है पेट्रोल में, और CNG में आपको 31.79 km का माइलेज मिल जाता है। इसकी ओनर्स के रिव्यूज़ की बात करें तो उतना कुछ आपको इशू तो नहीं मिलता है, लेकिन एक इशू वही है जो कि अल्टो K10 भी मिलता है। 4 या 5 लोग गाड़ी में अगर बैठ गए हैं, आपका गाड़ी में AC ऑन है, तो गाड़ी में आपको बिल्कुल भी पावर नहीं मिलता है, पूरा पावर लक आपको यहाँ पे फील होता है, जो कि एक बड़ा इशू बन सकता है 1 लीटर इंजन के लिए। सिर्फ अगर सिर्फ यही प्रॉब्लम को अगर मात दे दिया जाए तो ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट में आपको 5 लाख के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन बेस्ट वेरिएंट आपको 5 लाख के अंदर, बेस्ट 3 वेरिएंट आपको 5 लाख के अंदर मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा है। और सैलरी को सबसे बड़ा पॉइंट है मारुति सुजुकी का नाम, सर्विस नेटवर्क और रीसेल वैल्यू तो काफ़ी बेहतरीन ही होता है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाती है टाटा की टियागो। जी हाँ, टाटा टियागो, जो कि दिखने में काफ़ी बेहतरीन है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन है, गाड़ी में अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है, गाड़ी की सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, गाड़ी में कई सारे फीचर भी मिल जाता है, पार्किंग सेंसर, हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम। और ये हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बजट सेगमेंट में इसी गाड़ी में मिलता है, और इस बजट में आपको और किसी गाड़ी में ये सिस्टम नहीं मिलेगा। गाड़ी में नेविगेशन और कुछ टॉप वेरिएंट या ऑप्शनल पे आपको 2 एयरबैग, ABS, EBD सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। गाड़ी में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और 1 लीटर डीजल इंजन भी मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में आपको डीजल इंजन 5 लाख के अंदर नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ टाटा टियागो ही आपको 1 लीटर डीजल इंजन ऑफर करता है 5 लाख के बजट के अंदर। गाड़ी में आपको बेहतरीन माइलेज, डीजल में आपको 27.28 km का माइलेज और पेट्रोल में 23.84 km का माइलेज भी मिल जाता है। हालांकि इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन भी है, लेकिन 5 लाख के ऊपर उसकी प्राइस रेंज चला जाता है। और इसकी नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, यानी कि ओनर्स के रिव्यूज़ के हिसाब से गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन अगर बात करें जो पहले पहले मॉडल था, 2 साल के बाद उसके इंजन में थोड़ा सा नॉइज़ आना शुरू हो जाता है, गाड़ी में आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है, लेकिन 2018 के जो मॉडल है उसके कोई इशू नहीं है। बात करें 2018 के जितने सारे लोग गाड़ी खरीदे हैं इन्हीं सीरीज में 2018 के, तो उनके हिसाब से गाड़ी में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि पुराने गाड़ी में जो जो इश्यूज आ रहे थे। तो ये काफ़ी चेंजेस हुआ है टाटा टियागो में, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। गाड़ी काफ़ी दिखने में काफ़ी बेहतरीन है, स्पेस वाइज काफ़ी बेहतरीन है, ये अपने सेगमेंट में के हिसाब से तो बेहतरीन है, और ये भी अपने ऊपर लेवल के सेगमेंट को भी सीधे सीधे टक्कर दे देती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यानी कि इस सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी सबसे बेहतरीन भी हम कह सकते हैं, माइलेज के हिसाब से हो, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से हो, लुक के हिसाब से हो, या इंजन परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है, और इस सेगमेंट में पेट्रोल इंजन में सबसे बेहतरीन पावर भी मिल जाता है। उसके बाद नंबर 6 पे हम चूज़ किए हैं मारुति सुजुकी वागनर को। वागनर पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएंट में मिलता है 5 लाख के अंदर, बेसिक फीचर वहाँ पे आपको मिल जाता है, लेकिन लो 2 वेरिएंट में आपको म्यूजिक सिस्टम भी नहीं मिलता है, और गाड़ी में ऑप्शनल पे भी आपको 2 एयरबैग ABS मिल जाएगा, जो कि 5 लाख से लगभग 20-30 हज़ार ही ज़्यादा रहेगा। अगर बात करें गाड़ी के लुक्स की, तो ये थोड़ा सा पुराना लुक्स वाला है, यानी कि यूथ के लिए तो काफ़ी बेहतरीन नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये गाड़ी अपने सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन सेल्स लेता है और ये फैमिली कार के हिसाब से बेस्ट माना जाता है और सबसे ज़्यादा तो सेल्स लेता ही है। और मारुति सुजुकी सर्विस नेटवर्क और रीसेल वैल्यू गाड़ी को काफ़ी बेहतरीन बना देती है। और अगर बात करें, इसमें आपको 1 लीटर पेट्रोल इंजन वही वाला मिलता है, सेम मारुति सुजुकी का 1 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि आपको अल्टो में मिलता है, और
सैलरियों पे मिलता है, और यहाँ पे आपको 20.5 KMPL का माइलेज भी मिल जाता है। तो ये था पूरे 6 गाड़ियाँ मारुति सुजुकी अल्टो के टेन, दत्सन रेडिगो, रेनल्ट क्विड, मारुति सुजुकी सेलेरियो, टाटा टियागो और मारुति सुजुकी वागनार। अगर बात करें इनमें से सबसे बेहतरीन चूज़ करने की, तो मुझे सबसे बेहतरीन बजट फ्रेंडली गाड़ी लगता है टाटा की टियागो, जो कि अपने कम बजट में कई सारे फीचर, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, मेंटेनेंस भी उतना नहीं है, 1.2 लीटर पावरफुल पेट्रोल इंजन सेगमेंट के हिसाब से, और डीजल इंजन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और सेकंड में अगर रहेगा जो है रेनॉल्ट की क्विड, रेनॉल्ट क्विड भी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के ऊपर थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन गाड़ी की लुक्स काफ़ी बेहतरीन है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतरीन है, फीचर तो ज़बरदस्त है। अगर आप चाहते हैं एक रफ एंड टफ गाड़ी, तो आपको मारुति सुजुकी अल्टो के टेन को भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी रफ एंड टफ है, काफ़ी बेहतरीन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी और गाड़ी की अगर बात करें स्पेस की, तो ये दो चीज़ को अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो गाड़ी बेहतरीन माइलेज दे देता है, गाड़ी काफ़ी रिलायबल भी है, गाड़ी की रीसेल वैल्यू तो ज़बरदस्त है। तो मारुति सुजुकी की अल्टो के टेन को आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप लो स्पेस में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा राय गाड़ियों के ऊपर, तो नंबर 1 यही कहूँगा टाटा टियागो। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी गाड़ी आपको बेहतरीन लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।